फिर आप दूसरी बार करते हो आपको लगता है यार यूं ही हाइप बना रखी है जनता ने लेकिन जब तीसरी बार होता ना आपको हाँ। और जब आपको रियली हिट करता है कि अच्छा ये होता है हाँ, हाँ। कि आप बंदिश तोड़ कर उसके अगेंस्ट जा रहे हो हाँ, हाँ, हाँ। और आपकी चीजें स्टेक पर हैं है हाँ ना पेपर आपका कल सुबह जिसके लिए आप दो साल से तैयारी कर रहे हो फिर भी आप कह रहे हो नहीं यार तेरे से बात करूंगा कि तू नाराज ना हो जाए या फिर तू बता हाउ वॉज योर डे है ना मतलब वो ये सब इतनी तब मेरे को समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल फीलिंग है ये मतलब आपकी आपका रोक नहीं है इसपे right. और वो नशा है कि है yeah. ना किसी से जान लेना और बस ऐसे मतलब जैसे पहले ऐसा लगता था कि क्या बेवकूफ़ी है यार कि तुम गुड नाइट नहीं बोलोगी तो नींद नहीं आएगी भाई जब महसूस किया <laughs>

तो मैं मैंने वो महसूस किया मुझे बहुत मजा आया प्यार में मतलब मैं फैन लव सर। में, मेरे को बहुत पसंद है कलेष में एक पोइट्री वाला है पोइट्री वाले को प्यार में मजा रहा है आपको मेरे को नुएंसिस में हाँ। बहुत मजा आता है न, ऐसे हाँ, वो हाँ। नोक झोंक है ना आपका कि कैसे वो रिश्ता निखरता है दवाई कैसे होती है ये सब चीजें ऑब्जर्व करना मेरे को आई लव ऑब्जर्विंग लवर्स अच्छा। ये ये मेरे साथ है और मैं करता भी बहुत हूँ इसलिए ना मेट्रो वेटर में रैंडम ट्रैवल करता हूँ oh हाँ, कि मेरे को मजा बहुत आता है ऐसे तो वीडियो तुम तो ही बनाते हो जो करने वाले होते हैं <laughs> नहीं नहीं वो, नहीं, अच्छा, वो तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है हम लोग कोलैबोरेट करते हैं तो तो मेरे को वो बहुत पसंद था शुरुआत सही और मैं अपने ग्रुप का ऐसे लव गुरु टाइप की क्योंकि मैं ऑब्जर्व बहुत करता था तो उनको लगता था इस पर समस्याओं का हल है हाँ। तो मैं बताता भी था और वो उनके लिए वर्क करती थी हाँ। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए तो करेगा ही वर्क लव गुरु हो हाँ, हाँ, मतलब मेरे जब हाँ। जब मैं सबके फंडे क्लियर कर रहा हूँ कितने रिश्ते मैंने टूटने से बचा लिए है ना कितने जो जुड़े रहने चाहिए थे वो तोड़ दिए तो बेटा तो टूट ही नहीं सकता तो भाई जब मेरा हुआ और मुझे प्यार हुआ मैंने देखा भाई ज्ञान जो है वो देते हुए अच्छा लगता है <laughs> आ, आ, मतलब मेरे को सब चीजें क्लियर होती थी जैसे मैं मैं, मैं एक चीज कर रहा हूँ उनसे समझ आता था यार जब मोक्ष का चल रहा था ना तो मैंने को इसी सिनेरियो में ये चीज बोली थी हाँ। लेकिन अब मैं खुद वो चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ तो हाँ। मतलब फील हुआ की वो जो हेल्पलेसनेस नहीं होती अरे हाँ। यार कोई रोक ही नहीं है भाई जो मतलब वो इशारों पे नाचना जो लोग कहते हैं अरे यार वो होता है मतलब बहुत ट्रू चीजें हैं मतलब मैं हाँ हाइप नहीं है कुछ भी भाई लोग जो कहते हैं आप किसी को बोलते हो क्यों नहीं करता तू ये सिंपल तो है और इसमें क्या और जब अपने साथ आती है कि यार नहीं है लग रहा है, है में गया। गया। जैसे आप दूसरों को तो आप क्या बोलते हो डोंट वरी हाँ, क्या हो गया क्या अगली मिल अगली मिल जाएगी अगली मिल जाएगी। और भाई अरे ब्लॉक ही तो हुआ है हाँ, थोड़े दिन में अनब्लॉक हो, हो जाएगा लेकिन मेरे को वो समझ में आया उसमें उतरता नहीं है मेरे को मजा बहुत आया प्यार में सर अच्छा हाँ मैं और हमारा बहुत अच्छा जोड़ा था कि ऐसा बोला था ये मेड फोरी अदर अच्छा लड़ाई नहीं होती यार वाह कितना अच्छा जोड़ा लगती है ये कुत्ते एक आ, तो हम भी बड़ा शो ऑफ कर देते और दुनिया नजर लगा देते कि तुम्हारी सारी लड़ाई नहीं हुई बहन जो ऐसी लड़ाई होती है उसके बाद लो सालों और ऐसे ही हुआ मतलब बहुत वक्त तक हमारा कुछ नहीं हुआ है बिल्कुल मक्खन और फिर जो होने लगी फिर वहां से डाउनहिल ही आया सब मामला प्रपोज कैसे किया था आपने प्रपोज बहुत ही मतलब हमारे ऐसा स्पेसिफिक ऐसा नहीं था कि ये दिन है प्रपोजल का आ, लेकिन मतलब कुछ वक्त से ऐसा होता है ना कि आप वेलरेबल हो वो भी वल, मतलब आ, है और आप दोनों कन्फ्रंट कर ही चुके हो कि यार तू ही है जो है अच्छेट, हाँ, अच्छेट, हाँ वो वाला है हाँ। फिर लेकिन एक डेट हमने फाइनल कर ली थी कि ये डेट जो है ये आज से हमारा ऑफिशियली हाँ और फिर प्रपोज मतलब कई तरीके से किया मैंने कि अलग अलग तरीके से उसके घर के बाहर गया वो चीजें लेकर अच्छा हाँ, उसके बैक साइड थी उसके घर की तो वो सजाई मैंने फूलों से ओ भैया हाँ, ये सब भी किया एक बार दोस्त की गाड़ी सजा दी अरे अरे हर तरीके से किया मैं सब जो मैं बॉलीवुड से बहुत इन्फ्लुएंस हाँ, हाँ, तो हाँ, मैं लग जो भी ऐसे दिमाग में लगता था अरे ये कर देंगे वो कर देंगे दिमाग में आपको लगता ना कि आप ही तो हो रंजना अभी समझी नहीं है है मेरा मेरा इजहार करने का तरीका स्पेशल है मेरे को तो सब किया बहुत अच्छी लड़की थी बहुत प्यारा था बस वही फिर मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें बदल जाती हैं तो आपकी जिंदगी में प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं राइट right. हाँ हमारा लॉन्ग डिस्टेंस हुआ रिश्ता तो खराब हुआ एक थर्ड पार्टी आ गई बीच में नाइस उसी से उसकी शादी हुई है हो गई ओ, उसकी शादी होगी ठीक है।, है, है यार थोड़ा ये, ये <laughs> उसकी, उसकी, सा तो, तो तीन चार साल हो गए थे तो आपको एक दो साल ढाई साल तो आपको लगता है यार अब तो हाँ तो मूवन कर गए फिर जब उसकी सगाई की बात पता लगी ना मेरे को वापस फिर तो बात मेरे को ऐसा लगता है मैं करके गया ऑन ठीक है जिंदगी में बिजी हो गए काम काज अच्छा चल रहा है और बिल्कुल वक्त ही नहीं है ना मतलब

तो उसकी सगाई पे मैंने एक शेर लिखा था प्लीज कि <laughs> मैं वही सोचा था इतनी देर से रोक के कैसे बैठा हुआ इतनी देर से प्लीज साहेब उसके शेर लिखा कि कई सपनों के गुल खिलते हैं अपनों की जुदाई पर ना कई ख्वाब आप देखते हैं जब आप किसी से जुदा होते हैं ना तो आपके दिमाग में जाए तो और मैं बहुत दिमाग में जाए है ना बैंगलोर से अगर डेली मूव कर डेली से ये हो गया मतलब कुछ भी दिमाग में सिनारियो बनाता रहता था तब मैंने एक शेर कहा कई सपनों के गुल खिलते हैं अपनों की जुदाई पर मेरी उम्मीद नहीं की खुदकुशी उसकी सगाई पर आ, 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 बस क्या ही बोले ये तो शादी पे क्या लिखा था और इसके बाद बस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही बताओ तो लिखा भी मैंने अच्छा प्लीज प्लीज सुहाग रात पे हो जाए रात पे नहीं बस मेरे आ, मतलब मेरे को ऐसा अच्छा लगता है सर बीइंग जब आप खाली बैठे होते हैं ना और आप अपना क्रिएटिव सेल्फ चैनलाइज करते हैं तो दिमाग में बहुत मंजर बनते हैं आपके है ना बहुत से नए नए दृश्य बनते हैं तो तब मैंने एक शेर कहा था मतलब एक गज़ल है आ, उसके दो तीन शेर हैं ऐसा कि आ, सोचते थे बवाल क्या होगा अच्छा कि सोचते थे आपको लगता ना पहले कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या, हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब हमें थोड़ी हिला देगा कोई हाँ, है ना हाँ. कि आप आदमी जो है बहुत है 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 और और खासकर ये मेल ईगो जो है वो तो 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 जो वो बेफालतू का का बड़ी चीज कुछ ही नहीं हम भी एक पर्दा लेकर चल रहे हैं ना कि अरे भाई हम तो हिल नहीं सकते कोई दुनिया की चीज हमें हम आंसू हमें रोएंगे नहीं या फिर हमें दुख नहीं होगा दर्द नहीं होगा तुम हमें तोड़ नहीं सकते जबकि सब होता है है ना सब हकीकत में होता है बस हम कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं तो तब मुझे लगता था कि सोचते थे बवाल क्या होगा धड़कनों में उछाल क्या होगा और वो मुझे प्यार से बुलाता है इससे बढ़कर कमाल क्या होगा आहा, आहा। और फिर मैं अगला लिखा प्यार से कि सोचते थे बवाल क्या होगा धड़कनों में क्या होगा, क्या होगा? होगा, हाँ। देखा है उसने तुझे सोच साए का हाल क्या होगा कहा लेके जा रहे हो सोच साये का हाल क्या होगा देख के एक शेर और था इसका कि देख के तेरे गाल समझे हम है हाँ। ना अक्सर कुछ लोग आपसे शिकायत करते हैं प्यार में कि यार आप ना मैंने देखा कि तुम ऐसे लिखते भी हो और ये भी करते हो और आप तो मेरी तारीफ नहीं करते ठीक हाँ। है वैसे तो हाँ, हाँ, देखा है हाँ, कि हाँ। पार्टी टैलेंट तुम्हारा इधर ही हाँ, जा रहा हमारे पास नहीं रहे फिर तब मैंने अगला शेर कहा था कि सोचते थे बवाल क्या होगा धड़कनों में उछाल क्या होगा और देख के तेरे गाल समझे हम लाल से ज्यादा लाल क्या होगा हाय क्या बात बोल दी <laughs> 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 तो गाय ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए सो डोंट फोगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स